हाय एवरीवन, आदाब। आज हम बनाएंगे अमरूद का हलवा। अमरूद का हलवा खाने में टेस्टी होता है और ये बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 500 ग्राम अमरूद। अमरूद को हमने धो के अच्छी तरह से रख लिया है। तो हम अमरूद को कट लगाएंगे। तो हम अमरूद को कट लगा लेते हैं। मैंने अमरूद में कट लगा लिया है, आप देख सकते हैं हमने अमरूद को काट लिया है। तो हमें इसे बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए हम यहाँ पर एक कुकर लेंगे और फिर हम ये अमरूद डाल देंगे कुकर में और फिर हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी। पानी हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, हमें अमरूद को गलने के इतना ही पानी डालना है और फिर हम इसे कवर करके कुकर को अमरूद के गलने तक इसे पकाएंगे। जब तक के हमारा अमरूद बॉयल हो रहा है, बाकी के चीजों में हम देख लेते हैं हमें हलवा बनाने के लिए और क्या क्या चीज चाहिए। एक गिलास दूध, दूध हमने मलाई वाला लिया है, आप देख सकते हैं दूध में मलाई भी है। हलवा को और भी टेस्टी बनाना है तो हमने यहाँ पर 4 बड़ी चम्मच पाउडर दूध लिया है। आप पाउडर दूध के जगह में मावा भी ले सकती हैं। 4 बड़ी चम्मच देसी घी हमने यहाँ पर, आधा कटोरी चीनी लिया है। आप चाहे तो चीनी अपने पसंद से डालें, आपको मीठा खाना जितना पसंद हो। 4 हरी इलायची कुटा हुआ और हमने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद से लें, आपको ड्राई फ्रूट्स जो डालना पसंद हो। हमने यहाँ पर छुआरे, किशमिश और काजू लिया है। तो अब हम अगला प्रोसेस में जाते हैं। हमें देखना है कि हमारा अमरूद गला कि नहीं। अमरूद को हमने गैस से नीचे उतार लिया है, अमरूद हमारा गल चुका है। तो हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेंगे। पीसने के बाद हम आगे का प्रोसेस बताएंगे। अमरूद को मैंने पीस लिया है, हमें इस तरह से अमरूद का फाइन पेस्ट बनाना है। तो हमें अब अमरूद को छानना है। तो मैंने यहाँ पर एक छलनी लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे ये अमरूद और फिर हम इसे इस तरह से हिलाते हुए छान लेंगे। हम इसी प्रोसेस में सारा अमरूद छान लेंगे। अमरूद को मैंने छान लिया है, आप देख सकते हैं अमरूद का रेशा और बीज वगैरह ये छलनी में बच गया है। तो हम इसे किनारे कर देंगे। तो फिर मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई चढ़ाया है, कढ़ाई हमारा गरम है। हम इसमें डालेंगे घी, फिर हम इसमें डालेंगे ये ड्राई फ्रूट्स और फिर हम इसे 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे ये पिसा हुआ अमरूद। और फिर हम इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते हुए अमरूद को भून लेंगे अच्छी तरह से। अमरूद को मैंने इस तरह से लगातार चलाते हुए 10 मिनट के करीब इसे भून लिया है। आप देख सकते हैं हलवा से हमारा घी छूटने लगा है।
अब हम इसमें डालेंगे ये दूध पाउडर, और फिर हम दूध पाउडर को हलवा में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी हमने आधा कटोरी लिया था, पर हम पूरा चीनी यूज नहीं करेंगे, हम इसमें आधा ही डालेंगे। कुटा हुआ इलायची, दूध, और फिर हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे दूध को सूखने तक। हमने हलवा को लगातार इस तरह से चलाते हुए पका लिया है ताकि हलवा तलवे में चिपके ना। आप देख सकते हैं दूध भी सारा सूख चुका है और ये टेस्टी हमारा हलवा बनके तैयार है। फिर से हलवा में घी छूटने लगा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और हलवा को हम गैस से नीचे उतार लेंगे। हलवा को हमने गैस से नीचे उतार लिया है, अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हलवा को मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है। ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये किस चीज का हलवा है। हम इसमें गार्निश के लिए डालेंगे बादाम और काजू। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। थैंक यू।